बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टेक द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 4 फॉर क्लास 1, लीव्स एंड फ्लावर। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, स्मॉल, बिग, वेरी बिग, टॉल, क्लाइंबर्स, दैट विच आर प्रेजेंट ऑन द हिल्स, दैट विच आर प्रेजेंट इन द वाटर। सो जितने प्लांट जितने डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट एरिया उनकी लीव्स की जो शेप होती है वो भी उसी हिसाब से अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। तो वो रीज़न्स उसकी क्या हैं वो इंशाल्लाह वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, लेकिन पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है यहाँ के सारे पत्ते एक जैसे नहीं होते, सबके कलर्स एक जैसे नहीं होते, इस ठीक है। और जब आप किसी प्लांट को देखते हैं और उसके लीव्स को देखते हैं तो प्लांट तो आपको ग्रीन नज़र आते हैं लेकिन उनकी लीव्स की शेप डिफरेंट होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी लीव्स जो हैं उनका कलर भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत कायनात बनाई है, इसमें हर एक चीज़ बहुत प्यारी है, इसलिए हर एक खूबसूरती को देख के हमें क्या कहना चाहिए, सुभान अल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, हम पहले लीव्स के बारे में पढ़ेंगे फिर हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ लीव्स। लीव्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपने अपने गार्डन में इधर उधर देखे होंगे, तो द कलर ऑफ प्लांट्स इन गार्डन इज़ ऑलवेज, यू कैन सी दैट दे आर ग्रीन। ग्रीन होते हैं, और ग्रीन क्यों होते हैं? मोस्ट प्लांट्स अपीयर ग्रीन बिकॉज दे आर कवर्ड विद ग्रीन लीव्स। बहुत सारे प्लांट्स ग्रीन होते हैं इसलिए कि उनके ऊपर जो लीव्स होते हैं वो सारे के सारे ग्रीन होते हैं, तो हमें प्लांट्स ग्रीन ही लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उन लीव्स को देखें तो हमें उनके लीव्स को देखने से उनकी डिफरेंट शेप्स हमें नज़र आएंगी। अगर आप किसी लीव को देखते हैं तो उसमें आप तीन चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका कलर ग्रीन है या कोई और कलर है, ठीक है। डिफरेंट ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, लिखें उसमें कि पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स हैविंग डिफरेंट कलर्स ऑफ लीव, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लीव वाले प्लांट आपके पास उनकी पिक्चर्स आ जाएंगी। तो लीव्स का पहले हम कलर देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी शेप देखते हैं कि उसकी शेप कैसी है और उसका साइज़ क्या है। बाज़ शेप तो एक जैसी होती हैं लीव्स की, लेकिन कुछ जो हैं उनकी साइज़ छोटा होता है और कुछ का बड़ा होता है। सम लीव्स हैव स्मॉल साइज़ एंड सम हैव अ लार्ज और बिग साइज़। सो व्हेन यू सी अ प्लांट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द लीव, यू हैव टू ऑब्जर्व थ्री थिंग्स, कलर, शेप एंड साइज़, ठीक है। नाउ लुक एट योर बुक पेज नंबर 15, यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स इन दैट पेज। ये आपकी बुक का पेज है, ये देखें आपको डिफरेंट शेप्स के लीव्स दिखाए हुए हैं। ये फर्स्ट वन इज़ कोकोनट लीव, कोकोनट का लीफ देखें उसकी क्या शेप है। फिर उसके बाद मैंगो लीफ, आम के दरख्त की लीफ की क्या शेप है। फिर उसके बाद डेट लीफ यानी कि खजूर का जो दरख्त है उसकी लीफ की क्या शेप है। फिर उसके बाद मेज़, मकई के लीफ की कैसी शेप है। नेक्स्ट वन इज़ हेयर, लोटस लीफ जो कमल का फूल था आपके पास उसकी कैसी लीफ होती हैं, पानी के अंदर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्यूज़ मी बनाना लीफ, बनाना की क्या शेप होती है बनाना लीफ की, ठीक है। और फिर उसके बाद पाइन लीफ, पाइन के दरख्त का जो लीफ होता है उसकी कैसी शेप होती है। एंड दिस द लास्ट वन इज़ रोज़ लीफ, गुलाब के फूल के पत्ते की कैसी शेप होती है। तो यहाँ देखें दो तीन मैंने ड्रा भी की हुई आप लोगों के लिए। कोकोनट लीव्स ऐसे होते हैं, ठीक है, मैंगो लीव्स, डेट लीव्स, लोटस लीव। अच्छा, अब ये कैसे ऐसे क्यों होते हैं? सपोज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि पाइन लीफ जो है ये जो आपकी बुक में ये दिया हुआ है ये पाइन लीफ, ठीक है, ये पाइन लीफ ऐसे क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि पहाड़ों पर जब बर्फ़ पड़ती है तो ये लीफ जो है इनके चूंकि पतली पतली ये नीडल्स की तरह की होती हैं तो इनके ऊपर बर्फ़ नहीं ठहरती, तो उन लीव्स को तो सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अगर बर्फ़ ये चौड़े चौड़े पत्ते होंगे इन पर बर्फ़ पड़ी रहेगी, लीफ डेड हो जाएगा। तो इनको अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया कि इनके ऊपर जो बर्फ़ है वो स्टे ना करे, वो एकदम से यहाँ से पिघल जाया करे। तो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट अल्लाह सुबहाना ताला क्रिएट द शेप ऑफ द लीव, ठीक है। जैसी इन्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से अल्लाह ताला ने उनकी शेप्स बनाई हुई हैं। तो यही चीज़ अगर हम देखें हमारे पास फ्लावर्स में भी है।
जब आप किसी फ्लावर को देखते हैं, किसी फ्लावर के बारे में स्टडी करते हैं, अब इस आप यहाँ से लीव को हटा दें, ये ठीक है। अब आप आ जाए यहाँ पे फ्लावर, जब आप किसी फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप क्या क्या देखते हैं, उसके कलर को देखते हैं, उसके शेप को देखते हैं, उसके साइज़ को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि लुक एट योर बुक हेयर, ये पहले हमने जो पढ़ा उसमें से हम गो थ्रू हो जाएं, जो हमने लीफ के बारे में पढ़ा, ये देखें। ऑब्जर्व द कलर ऑफ प्लांट्स इन अ गार्डन, एक गार्डन के अंदर आप प्लांट्स के कलर को देखें। मोस्ट प्लांट्स अपीयर ग्रीन, बहुत सारे प्लांट्स आपको ग्रीन लगेंगे बिकॉज दे आर कवर्ड विद ग्रीन लीव्स, इसलिए कि सारा का सारा प्लांट जो होता है वो ग्रीन लीव से कवर होता है, इसलिए वो आपको ग्रीन लगते हैं। ऑब्जर्व द लीव ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, फिर आपको कहा है कि ये डिफरेंट प्लांट्स के आप लीव ऑब्जर्व करें, जो इसी पेज पर आपको दिए गए हैं कि दे हैव डिफरेंट शेप्स, इनकी शेप्स भी डिफरेंट हैं, इनके साइज भी डिफरेंट हैं, एंड सम लीव्स आर नॉट ग्रीन, इवन के कुछ लीव्स ऐसे हैं जो कि ग्रीन भी नहीं हैं। ये देखें इस वाले लीफ में आपको थोड़ा रोज़ लीफ में थोड़ा सा कलर नज़र आ रहा है, इसमें आपको थोड़ा येलो कलर नज़र आ रहा है, इसमें थोड़ा आपको ब्राउन शेड नज़र आ रहा है, तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि कलर्स उनके थोड़े से चेंज हो रहे हैं। फिर उसके बाद यही बात आप उसको उसने फ्लावर्स के बारे में आपको बताई है कि फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है वो फ्लावर होता है। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, इनका भी कलर भी डिफरेंट होते हैं। दे हैव मैनी शेप्स, इनकी डिफरेंट शेप्स भी होती हैं, ठीक है। एंड दे हैव डिफरेंट साइजेस, और इनके साइज़ भी डिफरेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर तो आपके पास सिर्फ 6 फूल हैं और 6 के 6 फूल कितने खूबसूरत हैं, ठीक है। तो फिर हम इसको देख के, इन फूलों को देख के हम क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, उसमें कितने प्यारे प्यारे फूल पौधे दरख्त हमारे लिए दिए हैं, हमें अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैनी ऑफ देम वेरी स्मेल वेरी नाइस, कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जिनकी बहुत खूबसूरत खुशबू होती है, बहुत प्यारी खुशबू होती है। फ्लावर्स ग्रो बर्ड्स, बर्ड्स होते हैं जिसको हम छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जो अभी पूरा फ्लावर नहीं बना होता, ठीक है। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स, तो वो उस कली से जिसको हम कली कहते हैं वो फ्लावर खुलता है और फिर वो एक फूल बनता है, ठीक है। जिस तरह अब ये मुख्तलिफ फ्लावर दिए, पेरीविंकल, सनफ्लावर, जैस्मिन, हिबिस्कस, लोटस, रोज़, देखिए ऑल प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स, ऑल फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट साइज, सो रिमेंबर दैट लीव्स आर ऑफ़ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, लीव्स भी डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं। यहाँ पर भी आप देखें इनकी लीव्स डिफरेंट हैं सबके तकरीबन। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, लीव्स जो हैं ग्रीन कलर के होते हैं ज़्यादातर, मोस्ट लीव्स, ज़्यादातर लीव्स ग्रीन होते हैं, फिर कुछ बीच में और कलर्स के भी होते हैं। एंड फ्लावर्स आर ऑफ मैनी शेप साइज एंड कलर, जबकि फ्लावर जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं, शेप्स के भी होते हैं और साइज़ के भी होते हैं। शेप और साइज़ के तो लीव्स भी होते हैं, लेकिन फ्लावर जो हैं वो कलर्स भी, उनमें वैरायटी ऑफ कलर्स होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है इनमें और बहुत ज़्यादा इसमें कलर्स होते हैं, ठीक है। तो यू हैव स्टडीड अबाउट लीव्स एंड फ्लावर्स, लीव्स दोनों की आप शेप साइज एंड कलर्स को देखें तो लीव्स जो हैं ज़्यादातर ग्रीन होते हैं, वेयर एज फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल रीड अबाउट देम इन डिटेल इन योर नेक्स्ट क्लास और मे बी इन दिस क्लास, ठीक है। एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, ओके। रीड इट केयरफुली, अंडरस्टैंड इट एंड लर्न द स्पेलिंग ऑफ दिस यूनिट एंड ऑल द नेम ऑफ लीव्स एंड plants, learn the spelling, again I am telling you, learn the spelling, it is very important. Thank you very much. Allah Hafiz.